वो 1100 अरब रुपए के पैकेज का क्या हुआ, उस पर कौन सा काम है जो आगे बढ़ा है? वो 1100 अरब रुपए का पैकेज तो कल की पहली बारिश में ही डूब गया। पीटीआई भी जवाब दे और पीपल्स पार्टी भी जवाब दे और एमक्यूएम भी जवाब दे, हमारे टैक्सों से के पैसों से सब अय्याशी कर रहे हैं और कोई कराची का नहीं है। ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है पीटीआई का, नून लीग का और ये पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का, तो इस नॉन सीरियस एटीट्यूड ने कराची का ये हाल कर दिया है। ये ओन नहीं करते कराची को, शहरे कराची मिला है कि जो चाहो इसके साथ सलूक करो, डुबो दो लोगों को, बर्बाद कर दो और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। सिंध हुकूमत जिसने मुकम्मल कब्जा किया हुआ है सिंध के तमाम इदारों पर, बजट के हर जो है वो मत के अंदर ये करप्शन कर रहे हैं और लूटमार कर रहे हैं। उस पार्टी का जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तकरर किया हुआ है कराची में, इसको फौरी तौर पर बरतरफ होना चाहिए। हम इस शहर की आवाज बने हैं और हम आवाम से भी अपील करते हैं कि वो पहचाने इन लोगों को जिन्होंने आपको बर्बाद किया है, और बल्दियाती इंतखाब में आप अपना एक एक वाज़े राय के साथ इन लोगों को मुस्तरद करें।